राइड स्टार्ट किया और मम्मी का फोन आ गया। अरे डिस्प्ले फूट गया आपका अन्ना। थैंक यू अंकल। मुझे तो पैसे नहीं दिए। हाँ दे रहा ना, गाड़ी इधर लगा देता। किलोमीटर गया तेल लेने। हाँ ऐसा बैठने से अच्छा लगता है। 600 प्लस किलोमीटर कवर करना है तो आई विश कि ऐसा ही व्यू हो और ऐसा ही रोड हो और ऐसा ही वेदर हो। कॉन्स्टेंट स्पीड पे जब क्रूज होती ना तो वो चलाने में जो मजा है ना वो भगाने में मजा नहीं। एक राइडर तब खुश होता है जब उसे ऐसा रोड मिलता है और ऐसा वेदर मिलता है। व्यू ही ऐसा है तो रुकने का मन ही करेगा ना भाई। मारू क्या, उड़ी मार क्या हो गए। वेयर इज द रेस्टोरेंट। क्या दिख रहा है चांद यार। ओहो पूरा गोल। 368 किलोमीटर हो गया और गाड़ी रिजर्व पे लग गया मेरा अभी। गोविंदा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेलंगाना संगारेड्डी। सो अभी हम लोग हम लोग ने रात को एक होटल लिया था। रात को यहाँ पे हम लोग अराउंड कुछ 10 बजे पहुंचे थे यहाँ पे। हम लोग ने प्लान जो किया था वो हैदराबाद में रुकने का था, बट यहाँ पे रुके हम लोग। इसका रीज़न ये है कि आते आते हम लोग को बहुत खतरनाक वाले बारिश मिल गया था बीच रास्ते में ही। लाइक बारिश ऐसा था कि उसके जो बूंदे है ना ऐसे लग रहे थे, हम लोग को हिट हो रहे थे हेलमेट पे, पट 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 करके आवाज आ रहे थे हेलमेट में से। जहाँ पे हम लोग अभी रुके वहाँ पे होटल्स इतने खास नहीं, मतलब उनके कंडीशन अभी मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा रहेगा। और हम लोग का रूम कुछ ऐसा हो गया है, भीगने के बाद हम लोग ने ऐसा कुछ सुखा दिया है यहाँ पे, ये देखो। तो काफ़ी हेक्टिक राइड था कल का बिकॉज ऑफ रेन। बाकी तो सब कुछ बढ़िया था, राइड तो बहुत सेफली और अच्छे से किया। हम लोग पोल स्टार्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं हम लोग श्रीनिकेत। कमलेश ऊपर है। कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। जहाँ पे हम लोग रुके हैं संगारेड्डी में, वहाँ से 650 किलोमीटर्स है और तिरुपति। चेन को ल्यूब करवाना है, पहले चेन को ल्यूब करवाएंगे। थोड़ा रस्ट नहीं बट जो कल बारिश हो रहा था उसकी वजह से जो धूल मिट्टी लग गया वो निकालने गया और चेन को ल्यूब भी करने गया। अच्छे से टाइट करवा लिया है मैंने कुनाल, और बंजी से मैंने मेरा बैग जो है वो काफ़ी अच्छा लग गया। कुछ भी हिल रहा नहीं, देखो एकदम परफेक्टली लग गया है। और बंजी कॉर्ड के लिए कुछ ये भी नहीं किया, जहाँ पे ये जो है ना वहीं पे लगा दिया है। काफ़ी देर हो गई हम लोग को और शायद से 9 से 10 घंटा लग सकता है, और टाइम अभी हो रहा है 10:30। ट्यूब करवा के हो गए और मैंने गियर भी अपना कर लिया। अब बस चालू करते और निकलते हैं। लेट्स गो देवा। सुनिएगा रेडी, चलो गणपति बापा मोरिया। अरे यार ये फोन को अभी आना, एक मिनट थामा। हाँ बोल कोमल, क्या पता है ट्रेंड्स। अच्छा ये लेफ्ट में ट्रेंड्स था। हाँ, तो उसके बाजू में दो दुकान छोड़ के ना ये इधर नाश्ता वाला है, तो उधर रुके हैं, जल्दी आओ। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा आज का ये है। मैंने 2 इडली लिया और 2 मेंदू वड़ा लिया। मेंदू वड़ा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ऑयली है, बट इडली अच्छा है, गरम गरम मिला है। हाँ गरम गरम है, तो आ जाओ ब्रेकफास्ट करने सुबह का। बाइक पे सेटअप कुछ ऐसा रखा है मैंने, यहाँ पे मेरा मेन बैग है बंजी कॉर्ड से बांधा है, उसके ऊपर रेनकोट है, देन उसके ऊपर पानी का बॉटल। एक्चुअली क्या होता है राइड में लोग ना डिहाइड्रेट रहने का भूल जाते हैं, राइड करते रहते पानी पीने का भूल जाते हैं, तो बाटली मैंने ऊपर ही रखा है। जब भी मुझे प्यास लगेगा निकल के पी लूँगा पटक से। और ये एक सीट का काम चलाओ अपना, ये काफ़ी हेल्पफुल है। जो दबता है, दबने के बाद आप उठते हैं तो फिर से वो अपना पोजिशन ले लेता है। यस 110 रुपीस। ओ माई गॉड 110। हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। टोटल पेट्रोल कितना हुआ? 7.98 लीटर, मतलब 8 लीटर पेट्रोल आज बैठ गए। मुझे तो पैसे नहीं दिए। हाँ दे रहा ना, गाड़ी इधर लगा दे तो। कैश है मेरे पास, कैश। 11:37 हो गया निकलते। राइड आज की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। श्रीनिकेत चलो निकलते हैं अभी, काफ़ी लेट हो गए। हम लोग ने सोचा है कि 110-120 किलोमीटर जब चलाएंगे तब पानी पीने के लिए होल्ड लेंगे या फिर जो भी करने करेगा। मम्मी का फ़ोन आया था यार, राइड स्टार्ट किया और मम्मी का फ़ोन आ गया। बात कर रहा था मम्मी से, मम्मी थोड़ी
डरी हुई है क्योंकि मैं पहली बार इतना दूर आया हूँ राइड करने के लिए, और चार दिन घर से बाहर, मतलब राइड करने के लिए चार दिन घर से बाहर फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैं इतने दिन बाहर निकला हूँ, और ये मेरा फर्स्ट राइड भी है कि इतना दूर मैं जा रहा हूँ। एक्सपीरियंस अगर बताओ 600 किलोमीटर का तो काफ़ी मज़ा आया राइड करने के लिए। सब वेदर देखने मिल रहे, ठंडी, बारिश, गर्मी। कल आते आते दो बार बारिश लग गया, एक बार में तो हम लोग पूरे ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा भीगे, देन सेकंड टाइम जब बारिश स्टार्ट हुआ रात को 8:30-9 बजे तब असली वाट लग गई। जो बारिश थी ना माँ कसम से, मतलब इतना गंदा बारिश ना, वो बूंदे ऐसे हिट हो रहे थे ना हेलमेट पे, पट 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 करके आवाज़ आ रहा था। अनएक्सपेक्टेड बारिश थी कल की, अनएक्सपेक्टेड नहीं अभी एक्सपेक्टेड ही रख सकते। बारिश का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, देखो अभी फिर से काले काले आ गए, 2 मिनट पहला धूप था अभी बादल आ गए फिर से, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, मतलब क्लाइमेट कभी भी चेंज होते रहता है, सो क्लाइमेट के भरोसे निकल के नहीं चल सकते यहाँ से। अरे डिस्प्ले फूट गया आपका ना, आप भी आ जाओगे वीडियो में, चलो बाय। एड्रेस पूछने के लिए रुका था मैं एक्चुअली, ये लोग ना मेरे आगे निकल गए, आगे रिंग रोड है वहाँ से राइट लेने गए हमको। थैंक यू अंकल। आई होप कि पूरा जाने तक ऐसे ही रहे, मतलब तिरुपति पहुंचने तक, क्योंकि 600 किलोमीटर कवर करना है, 600 प्लस किलोमीटर कवर करना है, तो आई विश कि ऐसा ही व्यू हो और ऐसा ही रोड हो और ऐसा ही वेदर हो, बस ये ब्रेकर ना हो लाइफ में। इतना बड़े हाईवे पे क्या ज़रूरत है ब्रेकर्स होना। अच्छा यहाँ पे टर्न है इसके लिए, ओके ओके ओके। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सिटीज़ में से निकल के जाना पड़ रहा है, तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी अभी यहाँ पे वो हम लोग। हाईवे पे लग चुके हैं हम अभी, टाइम हो रहा है 1:11, बेंगलुरु NH44। सो ऐसे हाईवे रहने वाला है, आगे जाके और भी बड़ा होने वाला है, शायद से 4 लेन का रहेगा। कॉन्स्टेंट स्पीड पे जब क्रूज होती ना तो वो चलाने में जो मज़ा है ना वो भगाने में मज़ा नहीं, अंडर 100 जो भी मज़ा आता है ना, 100 अंडर, 80-90 दैट्स इट, 80-90 बस। अभी ये देखो ऐसा ब्रेक लग जाता है ना तो क्या होता है, वो मौसम जो बना रहता है ना, माहौल जो बना रहता है स्पीड क्रूजिंग का, वो टूट जाता है, मज़ा नहीं आता। अब मौसम की जानकारी देने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग चालू हो गई है, हेलमेट पे गिर गया है वाइज़र पे, जो आगे बूंदे गिर गई है, जो दिख रहा नहीं है रोड, थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। बारिश खुले यार, मौसम गंदा ना हो कि हमें और 600 मतलब अभी तक 83 किलोमीटर ही हुआ है, तो हम लोग को और बहुत स्ट्रेच करना है। रेट अभी टाइम क्या हो रहा है भाई मेरे, 1:32। पानी पीने के लिए रुके, पानी का ब्रेक लिया ज़रा। हाईवे चालू हो गया है K2K, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ऐसा बैठने से अच्छा लगता है, तेरे को देखा मैं बहुत बार उधर भी बैठी थी, अभी रुके थे तभी तो, और रील निकाल के हो गए। अभी बस भगाना है गाड़ी, बस 2 लेन रोड है, वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, तो निकालते हैं जितना निकाल सकते हैं अभी। और मैं बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया हूँ, मुझे रुका था ना 10 मिनट रुके थे हम लोग, 10 से 15 मिनट। ओडे क्या व्यू है, ओहो K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी, ओहो 110 पे कॉर्नरिंग का पहला टोल। ओए 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 ओए, आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, आगे से नहीं है, यहीं से जाना है। सुनी के तो बहुत भगा रहा है लगता, मैं खुद 130 तक भगाया है, 135 तक, वो मतलब भाई उसने तो मतलब गाड़ी को पूरा खोल ही दिया रहेगा, क्या 150 के स्पीड से भगा रहा है क्या। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे मौसम और भी खुला होते जा रहा है। देखो ऊपर देखो, वो साइड में सामने दिख रहा है, ये देखो पूरा एकदम खुला खुला पूरा, मतलब दूर तक नज़र जा रही है, इतना मतलब विजन है, मतलब इतना विजिबल है मौसम आज। तो आशा करता हूँ ऐसे ही मौसम हो,
हमारे पहुंचने तक सिर्फ बादल ही बादल, एकदम मोटे मोटे बादल दिख रहे हैं, बड़े बड़े भरे भरे बादल। सो बैंगलोर अभी यहाँ से 599 मतलब 600 किलोमीटर है एग्जैक्ट, और मेरे किलोमीटर्स हो गए ओडो में हो गए मेरे होटल के यहाँ से निकल के, मतलब संगारेड्डी के यहाँ से निकल के 110 किलोमीटर हो चुके हैं। श्रीनिकेत अभी ज्वाइन हुआ है मुझे, काफ़ी आगे आ गया था मैं। एक राइडर तब खुश होता है जब उसे ऐसा रोड मिलता है और ऐसा वेदर मिलता है। ट्रैफिक लग गया इधर, एक बड़ा ट्रक वहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, दोनों ने मस्त ठोकर दे दिया है। लगता है थोड़ा आगे जाके बारिश मिलेगी क्योंकि ऊपर देखो बादल काले काले आ गए। बारिश चालू हो गए और रुक गए हम लोग, ये देखो मैंने पूरा रेनकोट पहन लिया है, पूरा पहन लिया भाई। फिर से आगे जाके अभी मतलब थोड़ा रुक गए, जब हम लोग आए थे ना यहाँ एकदम मोटा मोटा सब पानी आ रहा है आंखे, सब पानी आ रहा है आंखे, ऐसे कितना पानी आ रहा है। क्या है सीन बताया गया एक्चुअल में, अभी इतना दूर जाने का है, भीगते भीगते गए ना तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ऐसा चिकचिक होता लगता है, बैठ जाओ कपड़े निकाल के फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हम लोग। कल रात को हमारे साथ वैसे ही सीन हो गया, हम लोग ने कुछ ब्लॉगिंग किया ही नहीं, मतलब ब्लॉग का एंड भी नहीं किया और बताया भी नहीं कि हम लोग कहाँ पे रुके क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम लोग गीले हो गए थे पूरा बारिश की वजह से। हाँ इवन हम लोग ने गोप्रो से मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र भी नहीं किया कहीं से भी, अभी जो भी सब कुछ फुटेज है वो सब हमारे मेमोरी में ही है गोप्रो के। बारिश रुक गए अभी और निकल रहे हम लोग, कमलेश ने अभी हम लोग को आई एम सॉरी देवा आई ग सर्दी झाली, अरे देवा मौसम अभी आफ्टर बारिश के बाद। अभी एंगल मेरा शायद से चेंज हो गया फिर से गोप्रो का, हर बार जब मैं गोप्रो निकाल देता हूँ तो एंगल भी चेंज हो रहा है मेरा बार 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 बार, पता नहीं। व्यू ही ऐसा है तो रुकने का मन ही करेगा ना भाई, मारू क्या उड़ी मार क्या हो गया एक ये रिवर का नाम क्या कृष्णा रिवर है ये। तो इस रिवर का नाम पता चल गया, रिवर का नाम है कृष्णा, कोमल ने बताया मुझे पता नहीं था, थैंक यू कोमल। कम से कम 10 से 12 बार रुके रहेंगे हम लोग 210 किलोमीटर में, क्योंकि व्यू ही और लोकेशन ही हम लोग ऐसे दिख रहे हैं। देखो वो पीछे देखो वहाँ से आए थे हम लोग, वहाँ का माल देखो और यहाँ पे देखो पूरा खुला हिंदी ओनली, हिंदी इंग्लिश यस यस मोटो ब्लॉगिंग। मुंबई वेर इज अ रेस्टोरेंट, अ गुड वेज रेस्टोरेंट स्ट्रेट गोप्रो नाइस। कृष्णा रिवर और वो एक फोर्ट भी है पता नहीं नाम क्या है, वो पूछना भूल गया मैं कोमल को। एनीवेज निकलते हैं अभी हम लोग को, सुबह से हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, मतलब लाइक जो हम लोग ने 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे जो इडली खाया था वही खा के निकले, अभी तो कुछ खाया नहीं। तो आगे जाके कुरनूल करके एक लोकेशन है वहाँ पे रुकेंगे। हम लोग 11:30 बजे होटल से निकले थे और अभी शाम के कुछ 6:30 हो रहे, इस टाइम पे हम लोग ने सिर्फ 260 किलोमीटर कवर किए, ओनली 260 किलोमीटर, और यहाँ से 340 किलोमीटर है तिरुपति, तो काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ेगा लग रहा है आज, कोई नहीं कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। नाइट राइड करने में भी कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब मज़ा आ रहा है अगर आपके राइडर्स आपके साथ चला रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखो देखो श्रीनिकेत है कमलेश, हम लोग तीनों साथ में ही चल रहे हैं, मतलब आगे पीछे करके चल रहे हैं। क्या दिख रहा है चांद यार, ओहो पूरा पूरा गोल पूरा गोल। यहाँ पे आने के बाद जो जो व्यू देखने के मिले ना जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, मतलब तिरुपति ये वाला राइड मुझे हमेशा याद रहेगा। काफ़ी थक गया हो अभी, जहाँ से हम लोग ने मतलब स्टे लिया था होटल में खाने के लिए वहाँ पे 260 किलोमीटर्स हुआ था, तो अभी 40 और ये 28 मतलब 70 किलोमीटर्स चला लिए, बट रास्ता अच्छा है, स्पीड मेंटेन हो रही है, 80-90 पे क्रूज़ कर रहे हैं हम लोग।
368 किलोमीटर हो गया और गाड़ी रिजर्व पे लग गया मेरा अभी अभी पेट्रोल फुल करेंगे अभी यहाँ से। हाँ हाँ ये लेके आया, थैंक यू टू कैंपर आर ब्लॉक्स। और कितना किलोमीटर है यहाँ से? 4 घंटा। 4 घंटा किलोमीटर गया तेल लेने। 111 रुपये लीटर है इधर। ओके हर जगह अलग अलग रेट है। संगारेड्डी में 109 रुपये था, यहाँ पे 111 है। ओके अपने यहाँ पे 106 है। फुल करो तो पेट्रोल 1214 रुपीस का बैठा है 10 लीटर 10.90 लीटर्स। ओके 8:44 मिनट्स हो रहे यहाँ से। अभी और शायद से 200 किलोमीटर होगा, कड़प्पा करके है वहाँ पे रुकने वाले हैं हम लोग अभी। तो टाइम अभी हो रहा है 10:10 कड़प्पा, ये लोकेशन पे आके रुके हम लोग। इतने सारी मक्खियों ने हमारे हेलमेट के वाइजर पे जान दे दी है अपनी। तो तिरुपति में तो आ गए बट अभी टाइम 1:20 हो रहे रात के, तो हमें कहीं पे होटल लेके या फिर तिरुपति में जो गेस्ट रूम्स है वहाँ पे रुकना पड़ेगा। पता नहीं अभी क्या है। सो टाइम अभी हो रहे, क्या टाइम हो रहा है भाई, घड़ी दिखा दे। ओ माता 1:50 फिर आया हम तिरुपति फाइनली। 1200 किलोमीटर के बाद तिरुपति आ गया हूँ रात के 2:45। काफ़ी हेक्टिक राइड के बाद 1200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और तिरुपति बालाजी के दर्शन हो गए कल सुबह। एक्साइटेड गाइस, एक्साइटेड है। गोविंदा गोविंदा। अभी ये मेन एंट्री गेट है तो अभी ये बंद है, सुबह चालू होगा। नहीं, नहीं, ये मेन नहीं है, ये मेन नहीं है, इसके आगे। अच्छा बट एंट्री यहाँ से है ना? हाँ। एंट्री यहाँ से, एंट्री यहाँ से। ओके तो सप्तगिरी नाम का एंट्रेंस गेट है वो इसके आगे, वो मेन है। ओके ये मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा ट्रैवल रहेगा आज तक का, 1200 किलोमीटर। अभी यही 1200 किलोमीटर रिटर्न भी होने वाला है। तो यहाँ के जो गेस्ट हाउस रहते हैं वो अभी क्लोज है, तो अभी काफी ज्यादा थक गए हैं, बस अभी रुकना है। बहुत ट्रैवल कर लिया, बहुत व्लॉगिंग भी कर ली, बस अभी रुकना है, स्टे करना है और थोड़ा आराम करना है। कल सुबह के लिए एनर्जी चाहिए क्योंकि कल हमें पूरा तिरुपति एक्सप्लोर करना है। इसलिए इस ब्लॉग को यही तक रखते हैं, मिलते फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, रूम देख लो।